नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा। मौजूद वक्त हो गया है एमपी अब तक का। रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा भेजा। अपने इस्तीफे को लेकर मंत्री रामनिवास रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 5 जुलाई को ही अपना त्याग पत्र विधानसभा सचिवालय को मैं भेज चुका हूँ। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी भावनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, आपके सुझाव का भी सम्मान करता हूं। मेरे भाजपा में रहने पर भी आपका स्नेह सदैव बना रहेगा। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हो गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मंत्री पद की शपथ के दौरान गफलत हो गई, जिसमें रामनिवास रावत को 2 दफा शपथ लेनी पड़ी। इसको लेकर सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि डील में कोई गड़बड़ हो गई, इसी के चलते 2 बार शपथ लेनी पड़ी। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को कैबिनेट में शामिल किया गया है। शपथ के दौरान एक अजब गजब वाक्या हो गया। विधायक रामनिवास रावत को 2 बार शपथ लेनी पड़ी। दरअसल रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने गलती से राज्य मंत्री की शपथ ले ली। जब गलती का एहसास हुआ तो उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। रामनिवास रावत ने राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उधर शपथ को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि ये गलती थी या डील में कोई गड़बड़ी हो गई। ये रामनिवास रावत को पहले तो राजमंत्री की शपथ दिलाई, फिर कैबिनेट मंत्री की। अब इसे क्या माना जाए, त्रुटि माना जाए या कोई डील? पहले राजमंत्री दिला दी और डील में थोड़ा बिखरा हुआ, डील में कुछ गड़बड़ी हुई या रस्सा कसी हुई, तो फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी। मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में हड़बड़ी मची हुई है। कांग्रेस के विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। बीजेपी के पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक को ही कैबिनेट की शपथ दिला दी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी कितनी हड़कंप में है कि तुरंत इनको मंत्री पद की शपथ दिलाओ। और नाम सुन रहे थे समाचार में सब जगह कि भार्गव जी और 2-3 लोग लेने वाले थे, पता नहीं उनका क्या हुआ। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रामनिवास रावत के राजनीतिक अनुभव का प्रदेश को लाभ मिलेगा, साथ ही चंबल के विकास में तेजी आएगी। के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूँ कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं। रावत दिग्विजय सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस अब संघ की नीति पर अपनी रणनीति तैयार करेगी। ये फैसला कांग्रेस की बैठक में हुआ है। दरअसल कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस संघ के तौर तरीकों पर चलने की तैयारी पर है। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कभी दिग्विजय तो कभी कांग्रेस संघ के मुरीद हो रहे हैं, यानी संघ की कार्य प्रणाली को बेहतर मान रहे हैं। अरे आरएसएस आज सबसे बड़ा मजबूत संगठन हो गया। उसने कभी कोई आंदोलन किया क्या? उसने कभी भूख हड़ताल की क्या? उसने कभी डंडे खाए क्या? उसने कभी उसके ऊपर पुलिस का केस
आंदोलन करने पर उसका पर केस कोई चला क्या? नहीं चला। वो केवल कानाफूसी करना जानते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हमें भी अब इस तरीके को सोचना पड़ेगा। हाल ही में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई जिसमें हार पर मंथन किया गया। साथ ही इस बैठक में रणनीति कैसे बनाई जाए उसको लेकर संघ की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब संघ की तर्ज पर घर घर पहुंचेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि हम संघ से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मध्य प्रदेश के उन तमाम नेताओं ने, वरिष्ठ नेता, युवा नेताओं ने, सबने बैठकर अलग अलग टॉपिकों पर चर्चा करी और कहीं ये बात निकलकर भी आई। दिग्विजय सिंह जी ने पूर्व में भी कहा कि संघ कोई आंदोलन नहीं करता, कोई लठ नहीं खाता, कोई जेल नहीं जाता, लेकिन अपनी विचारधारा को पहुंचाकर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को बैठा देता है। तो उनका कहने का मकसद ये था और जो बात निकलकर आई कि हम विचारों के प्रचार प्रसार में अगर कहीं पीछे रह रहे हैं तो हम विचारों को नीचे तक कैसे पहुंचाएं, इसमें लगातार हमें काम करने की आवश्यकता है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ नकल करना जानती है, बंद कमरों में संघ की तारीफ करते हैं लेकिन खुले मंच से उस संघ का विरोध करते हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा नकल करने में लगी रहती है। कभी वो भाजपा के संगठन की नकल करती है, कभी हमारे तरह संभागीय संगठन मंत्री का गठन करती है, कभी संघ के कामों की तारीफ करती है। वही कांग्रेस अपने सार्वजनिक सभाओं में मंचों से संघ को कोसने का काम करती है और बंद कमरे में जब कांग्रेस के नेता बैठते हैं, बैठक होती है, तो संघ के कामों की तारीफ होती है। हम शुरू से कहते हैं कि संघ एक सामाजिक संगठन है जो जनसेवा के माध्यम से काम करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, और कांग्रेस के नेता भी इस बात को बखूबी समझते हैं लेकिन बंद कमरे की बैठक में समझते हैं और सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता कांग्रेस को संघ को कोसने का काम करते हैं। कांग्रेस नई रणनीति के तहत अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए संघ की तरह कार्य करने पर विचार कर रही है। आने वाले दिनों में इसी कार्य योजना के तहत पार्टी के बड़े नेता लोगों तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब संघ की कार्यप्रणाली रास आ रही है। पहले दिग्विजय सिंह और अब दो दिन के चिंतन और मंथन शिविर में भी संघ की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई है और अब तय किया गया है कि कांग्रेस जो है वो संघ की तर्ज पर घर घर जाकर अपनी विचारधारा जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्लान आखिर कितना कामयाब होता है। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। नक्सल विरोधी अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बालाघाट में जंगलों में सुरक्षा बलों ने 14 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने नक्सली उकास उर्फ सोहन को ढेर किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। नक्सल विरोधी अभियान के ADG ANO जयदीप प्रसाद ने बताया कि मारा गया नक्सली IED विस्फोटक बनाने में एक्सपर्ट था, जो 11 साल से एक्टिव रहकर काम कर रहा था और बड़े नक्सली कमांडरों के साथ मिलकर काम करता था। उन्होंने बताया कि जंगल में 10 से 15 नक्सली मौजूद थे, क्रॉस फायरिंग हुई, एक नक्सली की डेड बॉडी मिली, बाकी भाग निकले। मुरैना में मिलावटी पनीर खाने से 6 लोगों की तबियत बिगड़ गई। एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। महिला बच्चों को मिलाकर सभी को उल्टी और दस्त होने लगा। सभी को कैलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया। बता दें कि बीते रोज थाने के सामने हलवाई की दुकान से पनीर लेकर गए थे, पनीर खाते ही परिवार बीमार हो गया। पनीर खाने से सब बीमार हो गए। अच्छा, आप जो पनीर बेचने वाले थे, माने कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल। तो पूरा परिवार ही बीमार हो गया? परिवार ही बीमार। अच्छा, कितने लोग हैं टोटल? 7 लोग हैं। इंदौर में एक बार फिर डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की को साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट करके रखा। निजी कंपनी में बतौर कंपनी सेक्रेटरी जॉब करने वाली लड़की को साइबर अपराधियों ने पार्सल में MDMA ड्रग्स मिलने की धमकी दी और वीडियो कॉल पर 3 दिन तक बंधक बनाकर 7.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित लड़की के 3 दिन इतने खौफ में बीते कि वो अपने साथ हुई वारदात की जानकारी किसी को भी नहीं दे सकी। बदमाशों ने उसे उसका फोन तक नहीं उठाने दिया।
क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। एक डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच में फरियादिया के द्वारा कल कंप्लेंट की गई थी कि उसके साथ डिजिटल हाउस अरेस्ट किया गया, उसको 3 दिन तक बंधक बनाए रखकर डिजिटली अरेस्ट किया गया और उसमें फरियादिया जो कि कंपनी सेक्रेटरी है एक प्राइवेट फर्म में, और उसके साथ ये हादसा हुआ है और उसको ये बताया गया कि आपका एक फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से एक कुरियर आया और उस कुरियर के में एक इलीगल MDMA ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं, आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट यूज हुआ है, तो इस तरह से उसको CBI और क्राइम ब्रांच इनसे ट्रैप किया जाकर और स्काइप वीडियो कॉल पर लाया गया। स्काइप वीडियो कॉल पर लेकर उसके साथ लगभग 7,47,000 रुपये का पूरा फ्रॉड किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा सच है या झूठ, ये समझने में 10 साल नहीं लगते। हाईकोर्ट ने शादी ना करने पर लगाए गए रेप के आरोप को रद्द कर दिया है। बता दें कि महिला ने 10 साल तक लिव इन में रहने के बाद केस दर्ज कराया था। जो भी एलिगेशन थे वो थे ऑफ अ रिलेशनशिप, और अगर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाता है एक व्यक्ति में जो कि बालिग है और महिला भी बालिग है, और जो कुछ उनके साथ रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, इस कारण से आर्ग्यू किया गया और हाईकोर्ट ने उस बात को माना कि ये 376 की परिधि में नहीं आता है। दिस इज़ अ केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप और उसकी पिटीशन जो फाइल की थी उसको डिस्चार्ज किया। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां हमीदिया अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते रह गया। हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग पहली बारिश भी नहीं झेल पाई और इमरजेंसी में छत का बड़ा टुकड़ा गिर गया। हालांकि इस हादसे में डॉक्टर बाल बाल बच गए। बता दें कि 727 करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग पहली बारिश नहीं झेल पाई। इमरजेंसी में रोजाना 250 से 350 मरीज आते हैं। और अब बात विदिशा की, जहां शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पर खुले आसमान के नीचे स्कूल लग रहे हैं, इससे मासूम बच्चों की जान जोखिम में है। यहां पर बरसात हो या गर्मी, हालात यही रहते हैं। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर भी जिले से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जो शर्मसार कर देती है। मामला लटेरी ब्लॉक का है, जहां कई गांव में स्कूल भवन नहीं है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर ने भी माना कि कई जगह तो स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है। बेटा आपका ये स्कूल नहीं, भवन नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सर भीगते हैं, हमारी पुस्तक भीग जाती है, कपड़े भीग जाते हैं। कभी कहा नहीं सर से कि कोई यहाँ आते हो? आते हैं सर, कही थी कि यहाँ पर पाठशाला बनवा दो, कोई बनवाता ही नहीं है। क्या शुरू से ही भवन भी है? अच्छा, अभी तक बन नहीं पाया? बन नहीं पाया। अभी पंचायत प्रतिनिधियों से आपकी बातचीत हुई? हाँ हुई। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मेरी तो BRC महोदय से बात हुई और लिख के भी दिया हर साल, तो उन्होंने कहा कि आपकी मंजूर हो गई है। तो कितने साल से आप पदस्थ हैं? मैं 2014 से हूँ। कहते हमें बहुत आ रही है, पानी अब भी तेज गिर जाए तो बच्चे कहाँ बैठेंगे बताइए। हम भी अव्यवस्थित हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते, पूरे कपड़े भीग जाते हैं, कॉपी किताब सब भीग जाते हैं, और हमारा जो ऑफिशियल कागज है वो भी नहीं रख पाते सही जगह पर। हमारा सामान भी टूट जाता है। हम मैडम लेती है, अब जैसे थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह करवाती। कुछ प्राथमिक शालाएं हैं जिनके लिए भवन स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनका प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा चुका है। 4 हाई स्कूल भी ऐसे हैं जो माध्यमिक शालाओं में संचालित हैं, जिसके बारे में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे ऐसे हैं जो हाई स्कूल या मिडिल शालाओं की बिल्डिंगों में संचालित हैं। विदिशा जिले में ऐसे विद्यालय हैं जो कि भवन विहीन है, इनके प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और जैसे ही शासन से कोई स्वीकृति प्राप्त होती है या किसी भी मत से व्यवस्था होती है तो उनके भवन बनाए जाएंगे। तात्कालिक रूप से ये व्यवस्था है कि उनको किसी वैकल्पिक रूप से किसी अन्य भवन में, और यदि कोई शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो किसी किराए के भवन में उनको संचालित किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों के साथ आए दिन होने वाली ठगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को हरियाणा से आए भक्त के साथ फूल प्रसाद बेचने वाले ने भस्म आरती की परमिशन बनाने के नाम पर 5600 रुपए की ठगी की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने आरोपी के खिलाफ महाकाल मंदिर में शिकायत दर्ज कराई। महाकाल थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है।
तो बोला एक जने के 1100 है, हमने इन्होंने हमसे ले लिए, हमने और कहीं पता किया कि इतने पैसे लेते हैं, ऐसे सबने हमको मना कर दिया। आज हमने पूछा सबसे और फिर रात को मिले हमको, रात को बोले कि एक जने के 3100 रुपए लेऊंगा मैं दर्शन कराने के। उसके बाद में हमने बोल दिया इनको, मैं चलो ठीक है। रात को तो यहाँ पे पुलिस वाले थे नहीं, हम ढूंढ रहे थे, मिले नहीं क्योंकि रात को ही पकड़वाते इनको। फिर उसके बाद में इन्होंने हम बुला लिया, हम इसको 2000 दे रहे थे, इसने 2 लिए नहीं, बोला 3 अभी दो, 3 आरती के बाद लूंगा। 3 इन्होंने हमसे रात को लिए और 2600 रुपए उस दिन लिए और 3 रात को, और 3 अभी ये मांग रहा था फोन करके। और अब वक्त एक ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी संदेश। क्या आपने कभी उस हवा के बारे में सोचा है जिसमें हम सांस लेते हैं, उस पानी के बारे में सोचा है जो हम सब पीते हैं, जो आपके पैरों के नीचे है? हमारा ग्रह, हमारा घर अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। चिलचिलाती गर्मी से लेकर अनियमित मानसून चक्र तक, ये सब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है। लेकिन यहां न्यूज 18 पर हमारा मानना है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, इसीलिए हम एक बेहतर समाधान लेकर आ रहे हैं जो वास्तविक अंतर ला सकता है। ये एक सरल कार्य है, परिवर्तन का प्रतीक है, हरित कल के प्रति प्रतिबद्धता है। बने रहे, क्योंकि साथ मिलकर हम एक स्थायी भविष्य के बीज बो सकते हैं। आज रात 8 बजे दुनिया में बढ़